आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर पटना समेत दिल्ली के कई ठिकानों पर रेड पड़ रही है। इसको लेकर बिहार की राजनीति तेज है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर तेजस्वी यादव को लेकर है। तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो जल्द पिता बनने वाले हैं। आरजेडी के कई नेता बीजेपी और केंद्र सरकार पर इस रेड को लेकर हमला कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई जैसे संस्थानों के चरित्र को धूमिल किया है। उन्होंने कहा कि लोग हंसते हैं, संस्थाओं का माखौल उड़ाते हैं, इन संस्थाओं की तो चिंता करनी चाहिए। लड़ाई राजनीतिक है तो राजनीतिक ही लड़ें। ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों को आगे कर केवल उपहास ही उड़ाया जा रहा है। इन एजेंसियों को स्क्रिप्ट देना बंद कर दें। तेजस्वी यादव गर्भवती पत्नी से मिलने दिल्ली पहुंचे नहीं कि ईडी ने उन्हें घेर लिया। 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी की व्याकुलता खुल करके सामने आई है। छापा पर छापा, सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल। 2 दिन की छुट्टी, सदन बंद हुआ था, गए थे अपनी पत्नी गर्भवती पत्नी से मिलने के लिए तेजस्वी जी, वहां भी छापा, बहनों के यहां छापा। क्या हो रहा है देश के अंदर में? अरे मैं तो कहता हूं कि लड़ना है तो सीधा आपातकाल की तरह लड़िए, हिम्मत है तो चुनौती देते हैं। इस तरह का नुक्का छिपी का खेल क्यों कर रहे हो? सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल इस कदर करोगे? कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के 8 करोड़ रुपया पकड़े गए, क्या सीबीआई, ईडी, आईटी पहुंची क्या? नहीं, इसलिए कि वो आपसे रिश्ते रखते हैं। अडानी जिनके यहां 80,000 करोड़ से अधिक का फ्रॉडिज्म खुल करके सामने आया, कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई सीबीआई, ईडी, आईटी पहुंची क्या? ड्रग्स पकड़े गए, कोई पहुंचे क्या? ये तो हद है। इतनी डर भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन से हो चुका है। 18 में भी सरकार 17 में गई थी, क्या क्या किया था आपने? सबको पता है महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, सारी आपा भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। नैतिकता का इस कदर पतन राजनीति में नहीं होनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पूरी तरह से मशीनरियों का दुरुपयोग कर करके अब बहनों के यहां, अरे उनके जीजाओं के यहां, हद है भाई। ये कोई छापा नहीं है, ये तो राजनीतिक बदले की कार्रवाई है जो पूरी तरह से इसको कोई देश की जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। बता दें कि तेजस्वी और राजश्री का विवाह 2021 के दिसंबर में हुआ था। शादी को लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। पहले से ही चर्चा थी कि राजश्री मां बनने वाली हैं। हालांकि लालू परिवार की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई थी। इधर राजश्री यादव फिलहाल दिल्ली में है। जाहिर है अब राजश्री मां बनने वाली हैं और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिता, तो लालू परिवार में भी खुशियों की लहर दौड़नी तय है। पटना से आदित्य कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।